दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं न्यूज पैकेट। न्यूज पैकेट में आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पे तमाम लोग आए हुए हैं मूर्ति चोरी को लेकर। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सांसदीय क्षेत्र में ये हुआ है, और थाना चौबेपुर का ये मामला है। ये बताइए कि किस चीज की चोरी हुई है, किस किसकी मूर्ति थी वो? मामला ये है शिवपुर विधानसभा के अंतर्गत छितौना का। छितौना रामपुर गांव पड़ता है, जहां पे विगत वर्षों से वहां बाबा साहब की प्रतिमा फोटो एवं संत गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा रखकर गांव वालों ने जो है जयंती मनाते हुए आए हैं। अभी मामला ये हुआ है कि सन 2011 से वहां पे बंजर जमीन जो रेगिस्तान की है, 4.5 बीघा लगभग है, 4.5 बीघा है वहाँ पे गांव के लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और गांव के लोग वहाँ पे खेल कूद सामाजिक कार्य करते हैं। तो वहाँ पे संतोष नामक एक व्यक्ति है जो सफाई कर्मी में भी हैं, वो गांव वालों से बोलते हैं कि अब ये जो ज़मीन है गांव वालों के हक में मिल गई है सरकार से, तो हम आप लोग कोर्ट कचहरी मत जाइए, मैं सारी चीज़ देख लूँगा। और वो क्या करते हैं, वो सारी ज़मीन अपने कब्जे में ले लेते हैं, और वो ज़मीन 3-4 वर्ष से लगभग बो रहे हैं। 2011 में वहाँ गवर्नमेंट द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नींव भी पड़ जाती है, प्रधान द्वारा लिखित मिलता है गाँव वालों की मर्जी से। उसके बाद उसी के जस्ट बगल में बाबा साहब की प्रतिमा और संत गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा रख के गाँव वाले पूजा पाठ अपना करते हुए आए। मामला कब का है, कैसे चोरी हुई, किसको आप मानते हैं कि चोरी किए हैं? मामला ये है कि अभी तो किसी का नाम इसमें नहीं आया है, मगर फरवरी 5 तारीख सन 2023 में जैसे ही संत गुरु रविदास जी महाराज की जयंती मनाई जाती है, उसके दूसरे दिन जो है 6 तारीख को संत गुरु रविदास जी महाराज की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, जिस पे गांव वालों से और संतोष नामक व्यक्ति से विवाद होता है, उसमें पुलिस कार्रवाई। आप लोगों ने यहां पे क्या करने आए थे, किससे मिले, क्या आश्वासन मिला आपको? हम लोग जैसे ही हम लोगों को पता चला, अभी परसों मूर्ति को गायब कर दिया गया है, तो हम लोग जैसे ही मौके पर पहुंचे थाना चौबेपुर, वहां से कोई कार्रवाई नहीं हुई, चौकी से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोग अपनी आवाज़ को उठाने के लिए अपने संतों गुरुओं महात्माओं की जो इतनी घृण निंदा की गई है उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके संलग्न में हम लोग जिलाधिकारी महोदय वाराणसी को ज्ञापन देंगे, अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो बड़े लेवल पे आंदोलन भी हो सकता है और ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं। किसकी मूर्ति गायब हुई है? हम लोग बाबा रविदास संत गुरु का। हाँ, संत गुरु रविदास जी का मूर्ति गायब है, 1 तारीख। हाँ, 1 तारीख के। तो आप क्या करेंगे, गायब हो गई ये मूर्ति तो? अब क्या करें, तो प्रशासन खोजिए ना, हमन का खोजे क्या मूर्ति, और नहीं खोजेंगे तो आप लोग ये सारी महिलाएं क्या करेंगी, क्या करेंगी? जवन हमें उनके करत बनी करल जाए। हाँ, जवन करत बनी करल तो कर। हाँ, हमने यही रह लिया, अनशन धर रखा है, जब तक मूर्ति न मिली हमने मर जाए कटा जाए जो कुछ होई वही कर। आप लोग नवरात्रन की पूजा करते हैं? हाँ हाँ, नवरात्रन का पूजा होता है। पूजा होता है? हाँ हाँ। तो कैसे मनाएंगी फिर, कैसे मूर्ति मिलेगी? हम आन मूर्ति आप लोग। ठीक है, ये बताइए कि जो मूर्ति गायब हुई है उसको लेकर आप कुछ क्या कहेंगे? साथियों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर प्रताप, जिला महासचिव वाराणसी से। अब मूर्ति गायब तो हुआ है, प्रतिमा जो हमारे संत रविदास जी का है, मार्च सन 2023 को तोड़कर और गायब कर दी गई है। तो उस पर मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रतिमा, संत रविदास जी की प्रतिमा जल्द से जल्द वहाँ स्थापित की जाए, और वहाँ स्थापित करने के बाद ग्रामीण लोग मिल के पूरा वहाँ पर पूजा पाठ जो करना होगा करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें कि जिस तरीके से ये मामला थानापुर चौबे का है, रविदास जी की मूर्ति गायब हुई है उसके प्रकरण में ये लोग आए हुए हैं, और उनका सीधे तौर पे मांग है कि प्रशासन उस मूर्ति को खोजे और वहाँ पे स्थापित करे। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में जिला प्रशासन इन लोगों की कितनी मदद करती है। क्राउन जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।